हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीमिंग में हम अपनी स्क्रीन के अपने जो डेस्कटॉप की स्क्रीन को शेयर करना सीखेंगे। कहने का मतलब, देखो, लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आप वेबकम से भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे। और वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे हम, उसका नाम है OBS। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू करने के लिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी यूट्यूब का इंटरफेस चेंज हो गया है। पहले यूट्यूब का इंटरफेस अलग हुआ करता था, सब कुछ अलग हुआ करता था। अब क्या किया इन्होंने कि यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो वगैरह होता है, ये सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया है। तो ज़्यादातर वीडियो आपको जो है वो आउट ऑफ डेट हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो थे, लाइव स्ट्रीम जाने का प्रोसेस अलग था। और पहले जो थे, एक जो गूगल हैंगआउट के थ्रू हुआ करता था वो काफ़ी आसान था, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो थोड़ा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और इसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और आपको आपके सामने ही लाइव स्ट्रीम करके दिखाऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन लाइव स्ट्रीम करना सीखेंगे यूट्यूब पे विथ OBS सॉफ्टवेयर है। OBS सॉफ्टवेयर फ्री है बिल्कुल, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें भी एक चैलेंज आता है जो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे दूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब पे जाना है, जिस चैनल से आप करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम। उसमें कुछ इस तरीके से जाओगे आप, यहाँ पे गो लाइव का एक बटन होगा। ठीक है, इसको आपको दबाना है। अब देखिए दोस्तों, पहले का जो गो लाइव का इंटरफेस था वो बिल्कुल अलग था, ये नया वाला इंटरफेस है, तो इसके साथ आपको कम वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबकैम लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस देना पड़ेगा। लेकिन हमें वेबकैम वाला नहीं करना, हमें मैं स्ट्रीम करूँगा और वो कंप्यूटर स्क्रीन को अपना स्ट्रीम करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही आपको टाइटल देना है, कुछ भी आप टाइटल दे दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप दे देना कि इट्स मेड फॉर किड और नॉट। यहाँ पे हमें क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन था हमारा वेबकैम का, दूसरा ऑप्शन था हमारे स्ट्रीम का, और तीसरा ऑप्शन था मैनेज का। तो मैनेज वाले डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बार इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस के साथ इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे भी पहली बार में थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई भी जब इंटरफेस चेंजेस होते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट समय के साथ हम उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये आपकी, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर टाइटल है, आपका कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब कुछ सही है। मेन चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपको स्ट्रीम की। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, स्ट्रीम की लिखा हुआ है, ये चाहिए होगा हमें। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा अपने आप ही। ये कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, वरना वो आपके चैनल पर स्ट्रीम कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, अब इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए बंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मैंने कल ही इंस्टॉल किया है इसको। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। तो अब आप जब इसको डबल क्लिक करोगे, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का खुलेगा ये। ठीक है, तो कल इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये मेरे स्क्रीन को कैप्चर नहीं कर रहा था, अभी भी देखो नहीं, कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो मैंने इसका फिक्स कर लिया था, बट मैंने अभी वो फिक्स हटा दिया ताकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ कि अगर आपको भी ये चैलेंज है तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हो। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, ये जैसे ही आपको खुलेगा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे आप कहीं से भी सेटिंग में जा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर आपको जाना है और आपको स्ट्रीम पे जाना है। और स्ट्रीम में सर्विस में आपको, देखो सर्विस में पहले वो ट्विच सेलेक्टेड होगा, आपको यूट्यूब सेलेक्ट करना है यहाँ से, और सर्वर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा फिर। और स्ट्रीम की मैं आपको जो भी आपने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलो मैं भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दिया।
अब आप बस ये हो गया हमारा, ये हमारा कनेक्ट हो गया हमारे यूट्यूब के वो जो हमारे स्ट्रीम के साथ कनेक्शन हो गया इसका। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, सेव कर दो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन को लाइव स्ट्रीम करना, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा। जब पहली बार आप इंस्टॉल करोगे तो आपके साथ भी दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको लिखना है ग्राफिक्स। मैं दोस्तों देखो विंडोज़ 10 पे हूँ, तो अगर आप कोई किसी और विंडोज़ पे हो तो माइट भी ये थोड़ा ये चैलेंज आए या ना आए, या फिर कोई और भी फिक्स हो सकता है उसका, लेकिन मैं आपको विंडोज़ 10 पे हूँ मैं, तो इसमें ये दिक्कत हो रही थी, मैं इसका आपको बता देता हूँ। अगर किसी आप दूसरे विंडोज़ पे हो तो उसका आपको फिक्स ढूंढना पड़ेगा, या मे बी उसमें दिक्कत ही ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, आपको यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करना है, और आपको OBS का जहाँ पे भी आपका सेटअप इंस्टॉल हो रखा है, जैसे देखो मेरा सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, OBS स्टूडियो के अंदर, बिन के अंदर, 64 बिट के अंदर, यहाँ पे इंस्टॉल होता है, यहाँ पे इसका exe फाइल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड दबाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद भी अभी भी दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी यहाँ पे मेरा कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो दिखना शुरू नहीं हुआ है, तो इसके बाद मुझे एक चीज़ और करना है। आपको जाना है ऑप्शंस पे, आपको जाना है पावर सेविंग पे, और यहाँ आपको क्लिक करना है सेव पे। ठीक है, इसको आप बंद कर दो, अभी भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मुझे एक बार इसको बंद करके चलाना पड़ेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्रीन शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका स्क्रीन है, और अगर हम चलें अपने यूट्यूब के स्टूडियो पे, तो देखो दोस्तों अभी जो है, सॉरी एक चीज़ मुझे करना बाकी रह गया, वो स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना बाकी रह गया, तो मैं यहाँ पे, और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो माइक का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये अगर आप बिना माइक के करना, देखो एग्जैक्टली मैं करना चाहता था कि जो COVID-19 चल रहा है तो उसका मैं सोच रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, और बहुत से लोग हैं जो वेबसाइट पर जाके देख नहीं पाते, तो वो मेरी वीडियो पर डायरेक्टली देख लेंगे क्या सिचुएशन चल रहा है उसका, तो मैं उसके लिए करने वाला था। तो उस केस में आप माइक अपने कंप्यूटर का बंद रखना चाहोगे, तो मैंने इसको कम कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, एनीवे तो चलो हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते हैं। हमने स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक किया, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है, अभी तक ये गो लाइव का बटन आपको डिसेबल दिख रहा है ना, अभी जब इसको स्ट्रीम पहुँचने लगेगा वहाँ से हमारी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से OBS से, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये गो लाइव का बटन इनेबल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा इंटरनेट के कनेक्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है, इस पर चीज़ें धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो आप इसको देखो यहाँ पे लिखा है एक्सलेंट कनेक्शन, तो ये आपके कनेक्शन पे डिपेंड करता है, आप वाईफाई यूज कर रहे हो, जैसे मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो कनेक्शन ठीक है, स्पीड अच्छी है उसकी। तो देखो दोस्तों ये हमारा ये शो होने लगा है, यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे शो होने लगा, और गो लाइव का बटन आपने देखा यहाँ पे इनेबल हो गया। तो अब दोस्तों मुझे सिर्फ गो लाइव के बटन को क्लिक करना है और ये चीज़ें लाइव स्ट्रीम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है, इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं। और यहाँ देखो आप ये लाइव चैटिंग वगैरह करने का ऑप्शन इनेबल, इसलिए मैंने वो चिल्ड्रन वाला बंद कर दिया था। ठीक है, बाकी आप इसके सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर लेना, थोड़ा मुझे भी एक्सप्लोर करना है उतनी अच्छे से, मुझे भी सेटिंग्स का नहीं पता क्योंकि ये नया नया आया, अभी तो हर एक चीज़ उससे फैमिलियर होना बाकी अभी हमें। देखो मैं अपने पॉइंटर को कहीं भी घुमाऊँगा तो वहाँ भी वो चीज़ शो होगी, क्योंकि ये मेरे देखो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, वो मेरे स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रीमिंग जब आपकी हो रही है तो आपको इसको स्टॉप कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीमिंग का एक बटन है, इसको आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको क्लिक कर देते हो, मान लो मैंने यहाँ से स्टॉप स्ट्रीमिंग के बटन को क्लिक कर दिया, जब भी आपका लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका जो गो लाइव वाला बटन, सॉरी वो जो यहाँ पे एंड एंड करके एक बटन आ जाएगा, तो उसको आपको क्लिक करना होता है। मतलब वहाँ से आप स्ट्रीमिंग बंद कर दोगे तो स्ट्रीमिंग तो आपको बंद हो जाएगा, लेकिन उसको मतलब पूरी तरीके से पॉज करने के लिए यहाँ पे फिर से एक बटन शो होता है, वो आपको दबाना होता है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही समझ आ जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये भी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जल्दी ये रुक नहीं रहा, तो ये अपने आप ही रुक जाता है, फिर स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे लाइव स्ट्रीम करना है और कैसे होता है डेस्कटॉप को। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.